तो है फ्रेंड, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के आप सबके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करने से पहले एक दिन पहले क्यों पार्टी की, और यहाँ तक उन्होंने आधे घंटे पहले एक घंटे पहले उन्होंने जूस क्यों पिया, और यहाँ तक कि उनका जो कुत्ता फज उन्होंने कातिल को पहचान लिया फिर भी अभी तक कातिल को क्यों नहीं पकड़ा गया, और यहाँ तक आप सब जानते भी होंगे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करने से पहले वो अपना नाम है गूगल पर बार बार सर्च क्यों कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ खुलासा करने वाला हूँ, और साथ में ही मैं इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत सपोर्ट में एक एक्सरो एजेंट है जिनका नाम एनके सूद है, वो अब सपोर्ट में आ गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई को मांग उठा करके, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने क्या क्या ऐसे खुलासे किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एनके सूद है कौन है। एनके सूद है एक एक्सरो एजेंट है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोगों के सीधा मुंह पर बोल देते हैं, और कोई भी जो इंसान इनका बाल बांका नहीं कर सकता। एनके सूद के मुताबिक उन्होंने यह खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, बल्कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, और साथ में उन्होंने यह भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर है ऐसे पर्सन ने किया जो हर बात जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, और वो जो पर्सन है उनके घर में हर बार आता जाता रहता है, उनके कुत्ते से अच्छी तरीके से जान पहचान भी है। और उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के इतने धमकी भरे कॉल आते थे तभी तो उन्होंने सिम चेंज की होगी, और साथ में उन्होंने ये दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत है जो कि उनको जो इतना डर लगने लग गया था कि वो कहीं भी जो सुनसान जगह पर चले जाते थे गाड़ी को लेकर के अपनी, और उस गाड़ी में दिन दिन भर रात रात भर सो जाते थे, इतना जो उनको डर लगने लग गया था। इनके सूद ने सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की है, और उन्होंने ये बोला कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो आता जाता था, जो हर बात जाना था, उसी से ही पूछताछ करनी चाहिए। उनके जो नौकर हो गए, संदीप सिंह हो गए जो एम्बुलेंस में बैठे हुए थे, और उनकी जो रिया चक्रवर्ती हो गए, इन सबसे एक अच्छी तरीके से पूछताछ करनी चाहिए, ना कि उनको जो 24 घंटे बिठाकर चाय पानी पिलाकर ऐसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए, टॉर्चर करके थोड़ा सा पूछताछ करनी चाहिए, तभी इस बात का खुलासा हो सकता है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि उनका जो नौकर है वो कातिल के बारे में नहीं जानता होगा, पर हाँ थोड़ा बहुत तो कुछ जानता होगा, जो कि हर बार जो स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। पहले तो उसने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक गिलास जूस मांगा था, और अब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई मुझसे जूस नहीं मांगा था। तो आखिरकार क्यों है, वो अपना जो स्टेटमेंट बार बार चेंज कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करने से पहले एक दिन पहले क्यों पार्टी की थी। सुशांत सिंह राजपूत को 11 जून को एक फिल्म ऑफर मिला था, और उन्होंने साइन भी किया था, और वो बहुत एक्साइटेड भी थे कि उस फिल्म में वो काम करेंगे और फिल्म बनाएंगे। तभी उन्होंने फिर उसके बाद जो है 13 जून को लोगों को पार्टी की, अपने घर में बुलाया, और बहुत खुश भी दिख रहे थे, और इसी कारण है उन्होंने बहुत पार्टी की थी। कौन जो पर्सन कर सकता है कि उसको एक दिन पहले ही फिल्म मिलेगी और एक दिन पहले पार्टी करेगा और इतना जो खुश नजर रहेगा, एक्साइटेड होगा, तो आखिरकार वो अगले दिन कैसे सुसाइड कर लेगा। आपको क्या लगता है इन सब बातों को लेकर के, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, अब ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी जल्द जल्द बैठ सकती है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना ताकि सब लोगों को मालूम सके, और इस वीडियो पर जितना ज्यादा हो सके लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।